कार्यालय पर कोविड 19 के चलते कोरोना संक्रमण महामारी से बचाव के लिए राज्य सरकार दिशा निर्देश पर सभी विभागों के कर्मचारियों द्वारा एक विशाल जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे उप जिला कलेक्टर सुमन देवी ने जल महल स्थित श्री गणेश मंदिर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कस्बे के लक्ष्मण मंदिर व मुख्य बाजार होते हुए नगर पालिका कार्यालय पर पहुंची। इस दौरान कार्यपालक मजिस्ट्रेट सोहन सिंह नरुक्का ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार उप जिला कलेक्टर के दिशा निर्देशन में उपखंड स्तरीय समस्त कर्मचारियों व ग्राम पंचायतों पर रैली का आयोजन हुआ। उन्होंने बताया कि रैली का मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण से सचेत रहने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करना और मास्क लगाकर बाहर निकलने के लिए लोगों को जागरूक करना है। इस दौरान उप जिला कलेक्टर सुमन देवी ने रैली के उपरांत गाड़ी में रखे माइक्रोफोन से लोगों को सरकार की गाइडलाइन की अनुपालना करने की अपील की। रैली में विकास अधिकारी डॉक्टर दीपाली शर्मा, नगर पालिका ईओ मनीष शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। दिग राजस्थान से संवाददाता अंकुर जादौन की खास रिपोर्ट। महामारी के संक्रमण को देखते हुए आमजन में इससे संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए आज और डीग प्रशासन के द्वारा डीग उपखंड मुख्यालय पर एक कर्मचारियों की एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें उन सभी लोगों ने मास्क लगा के रखे हुए हैं तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ। इस रैली के जरिए आमजन में एक संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जो कोरोना के संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है उनका पालन करें, ताकि इस महामारी के संक्रमण को रोका जा सके। इसके साथ ही सभी पंचायत मुख्यालयों पर भी आज इससे संबंधित जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना है, ताकि लोग इसके संबंध में जागरूक हों और कोरोना महामारी के संक्रमण के संबंध में अपना बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें, अपने समाज का बचाव करें। यही मेरा सबसे निवेदन है, यही आग्रह है। सर, और विभागों के लोग भी पाबंद किए, कितने लोग यहाँ पे आज सभी विभागों के कर्मचारी, लगभग 100 के लगभग कर्मचारी यहाँ उपस्थित थे।